आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनसंख्या में 32% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है और यहां 44% क्षेत्र में वन है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हुए आदिवासियों के हित में काम करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित लोकसभा सांसद दीपक बैज और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने भी अध्यक्ष और सदस्यों को शुभकामनाएं दी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, रायपुर 4 महीने बाद फिर से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। पढ़िए पूरी खबर। प्रदेश में 4 माह बाद आंगनबाड़ी केंद्र सोमवार 26 जुलाई से फिर से खुलेंगे। इससे पहले कोविड-19 के कारण 22 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद रखते हुए हितग्राहियों को घर पहुंचाकर सूखा राशन दिया जा रहा था। विगत 20 जुलाई को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 पालियों में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने 26 जुलाई से जिले की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए फिर से शुरू करने के सशर्त निर्देश जारी कर दिए हैं। कंटेनमेंट जोन अथवा जिला प्रशासन द्वारा बंद करने का निर्णय लिए क्षेत्रों में आंगनबाड़ी संचालित नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मानना है कि कोविड-19 के कारण कुपोषण में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए कुपोषण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दोपहर का गर्म भोजन और स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और सुपोषण अभियान के हितग्राहियों को आंगनबाड़ी आने की अनुमति होगी। अगली बड़ी खबर है, गोठानों में 30 जुलाई तक हरे चारे के लिए नेपियर का रोपण सुनिश्चित किया जाए। रायपुर। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने शनिवार को महानदी मंत्रालय भवन में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति की गहन समीक्षा की। मंत्री चौबे ने विभागीय अधिकारियों को खाद बीज की क्वालिटी, वितरण की व्यवस्था एवं रेट पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निजी दुकानदारों के रासायनिक उर्वरकों के विक्रय की व्यवस्था एवं मूल्य पर नियमित रूप से निगरानी रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। मंत्री चौबे ने कहा कि राज्य में किसानों को खाद बीज को लेकर किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और समितियों में मांग के अनुसार खाद बीज की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंत्री चौबे ने बैठक में उद्यानिकी विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को राज्य में बाड़ी विकास कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिन्हांकित क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर पाम वृक्ष के रोपण कराए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में उन्होंने अधिकारियों को सभी गोठनों में 30 जुलाई तक अनिवार्य रूप से चारागाह विकास अंतर्गत नेपियर घास का रोपण तथा हरे चारे की बुआई करने को कहा। मंत्री चौबे ने बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के बदले अन्य खरीफ फसलों की खेती के लिए चिन्हित सभी किसानों से लगातार संपर्क का उन्हें मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उच्च क्वालिटी का बीज उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। वही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, मूर्तिकारों के लिए राहत देने वाली खबर। अब कोरोना काल के बीच भी वो बना सकेंगे 4 फीट तक की मूर्ति। काफी लंबे समय से कोरोना काल के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे मूर्तिकारों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मूर्तिकारों को राहत देते हुए मूर्ति बनाने और बेचने की इजाजत दे दी है। अब मूर्तिकार कोरोना नियमों का पालन करते हुए मूर्ति बना और भेज सकेंगे। साथ ही साथ मूर्ति बैठाने वालों को भी कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जारी नए आदेश को लेकर ग्रामीण विधायक एवं पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि त्योहार का अवसर है, ऐसे में मानक क्षेत्र में मूर्ति कलाकार बहुत है जिनकी रोजी रोटी इसी पर आश्रित है।
कोरोना काल के दौरान मूर्तिकारों पर भरण पोषण का संकट आ चुका था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था कि अब मूर्तिकारों को मूर्ति बनाने की छूट मिला, जिसको लेकर फैसला आ गया है। कोरोना के बदले नियमों के साथ मूर्तिकारों को मूर्ति बनाने की छूट दी जाती है, जिससे मूर्तिकार मूर्ति बेचकर अपना भरण पोषण कर सके, जिसमें मूर्ति बैठाने वालों को कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर है वन मंत्री अकबर की पहल पर छत्तीसगढ़ हर्बल की खरीदी शुरू। पहली ही खेप में संघ से 1.24 करोड़ रुपए के 12 औषधियों की खरीदी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल पर छत्तीसगढ़ में राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित आयुर्वेद औषधियों की मांग बढ़ने लगी है। राज्य आयुष विभाग द्वारा चालू वर्ष के दौरान पहली ही खेप में संघ से 1.24 करोड़ रुपए की राशि के 12 विभिन्न आयुर्वेद औषधियों की खरीदी की जा रही है। इनमें अविप्तिकर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, पुष्यानुग चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी चूर्ण, मुलेठी चूर्ण, सितोपलादी चूर्ण, पंचस्कार चूर्ण, अर्जुन त्वक चूर्ण, महाविषगर्भ तेल और च्यवनप्राश अवलेह शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में आदिवासी वनवासी सहित संग्राहकों को लघु वनोपजों के संग्रहण के साथ साथ प्रसंस्करण का भी अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इससे संग्राहकों को संग्रहण के अलावा प्रसंस्करण के कार्यों से जहां अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं उनकी आमदनी में भी निरंतर वृद्धि होने लगी है। वहीं अगला ब्रेकिंग न्यूज है फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले हटाए जाएंगे। सरकार ने विभागों से कहा दोषी कर्मचारी अधिकारियों को तत्काल हटाएं, कार्रवाई से पहले हाईकोर्ट में कैवियट लगाना न भूलें। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी महकमों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे कर्मचारी अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि प्रदेश में 250 से अधिक ऐसे मामले हैं। इन लोगों को हटाने से पहले उच्च न्यायालय में कैवियट दायर करने को भी कहा गया है। कैवियट का मतलब यह है कि यदि कोई विभाग के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाता है तो उस पर कोर्ट डायरेक्ट फैसला नहीं देगा, उसे पहले उसे कैवियट दाखिल करने वाले की भी बात सुननी होगी। इससे पहले आईपीएस जीपी सिंह के मामले में कैवियट दाखिल की गई थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के दौरान सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने यह मुद्दा उठाया था। उद्योग मंत्री कवासी लखमा से शनिवार को ही आदिवासी नेताओं की इस विषय पर चर्चा हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया था। विभाग ने शाम को कार्रवाई के लिए विस्तृत परिपत्र जारी कर दिया। इसमें कहा गया है मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में विभागों से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनके जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति द्वारा फर्जी अथवा गलत पाए गए हैं, उन्हें तत्काल सेवा से पृथक किया जाए। वहीं अगला ब्रेकिंग न्यूज है सीजी 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आज आएगा। 2.71 लाख छात्रों का इंतजार होगा खत्म। शिक्षा मंत्री वर्चुअली कार्यक्रम में होंगे शामिल। ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे परिणाम। छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड का रिजल्ट रविवार यानी 25 जुलाई को घोषित किया जाएगा। इस बार रिजल्ट जारी करने का कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे के वक्त ये परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। छात्र यह रिजल्ट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे। इस बार 12वीं की परीक्षा में करीब 2,71,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। studentscgbsa.nic.in पर क्लिक करके अपने परीक्षा परिणाम देख पाएंगे। इस बार स्टूडेंट्स ने घर बैठकर परीक्षा दी थी। स्कूल को ही सेंटर बनाया गया था। इन सेंटर्स से स्टूडेंट 1 जून से 5 जून तक प्रश्न पत्र और आंसर शीट हासिल किए। सभी को आंसर शीट जमा करने के लिए 5 दिनों का वक्त मिला था। अगली बड़ी खबर है व्यापमा ने जारी किए एंट्रेंस एग्जाम नोटिफिकेशन। 26 जुलाई से शुरू होगा पीएटी पीपीएचटी का ऑनलाइन आवेदन। पीपीटी और एमसीए के लिए 29 जुलाई से भरे जाएंगे फॉर्म। कोरोना का प्रकोप कम होने के साथ तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश परीक्षाएं भी अनलॉक हो गई हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने प्री इंजीनियरिंग डेयरी टेक्नोलॉजी व एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी टेस्ट पेट प्री फार्मेसी टेस्ट पीपीएचटी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट पीपीटी और प्री एमसीए की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक 26 जुलाई से इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12 अगस्त तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के सलाहकार डॉक्टर प्रदीप कुमार चौबे ने बताया पीएटी और पीपीएचटी के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से 12 अगस्त तक भरे जा सकेंगे। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आवेदन में किसी तरह के सुधार का समय दिया गया है।
31 अगस्त को इन परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। डॉक्टर चौबे ने प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 8 सितंबर सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक बताई है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ वीडियो में ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के साथ।